उर्वी कुमारी, आप अपना वचन नहीं तोड़ सकती। हम क्षत्रियों को छोड़ इस सूत पुत्र को चुना है उर्वी ने। एक क्षत्रानी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। मारो इसे, चलो। सावधान, यदि किसी ने एक कदम भी और आगे बढ़ाया या मेरी पत्नी की ओर दृष्टि भी उठाई तो उसका शीश भी ना मिलेगा। इस सूत पुत्र से आप एक बार पहले भी हार चुके, दोबारा सामने आकर देख लें।
ये चुनरी आपने मेरे बधाई के लिए खुद बनाई थी ना? इस चुनरी को उड़ाकर आशीर्वाद। आशीर्वाद जैसी पुत्री जो अपनी इच्छाओं के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने पिता की मान मर्यादा भरी सभा में दूसरों के ठोकर के नीचे लाती है, ऐसी पुत्रियों को आशीर्वाद नहीं तिरस्कार मिलता है। जिस प्रेम के लिए तूने हमें यह दिल दिखाया है, वही प्रेम तुम्हारे आने वाले जीवन के सुखों में विनाशकारी सिद्ध होगा। तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। जैसे तुमने हमें आज बुलाया है, वैसे तुम भी रोगी। आप तो माँ हैं, सब कुछ भुलाकर अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी संगी बनने के निर्णय का मोल ये अपने पियर को खोकर चुका है। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि धन, वैभव, सम्मान, इनकी कभी कमी ना हो आपकी पुत्री के जीवन में। अपनी ममता के कवच के साथ इसे विदा कीजिए। इसका जीवन इसके सामने दो मार्ग लेकर आएगा, एक वो जो फूलों से भरा होगा और दूसरा जिसमें अंगारे सुलग रहे होंगे। ध्यान रहे, कहीं अपना भाग्य ऐसे व्यक्ति से न जोड़ ले जिसका जन्म ही दुर्भाग्य से हुआ हो। वचन का मूल्य वचन देने और लेने वालों से किया जाता है। कौन हो तुम जिसके न जन्म का पता न कुल का? अपने जीवन में दुर्भाग्य लिखा करके आए हो तुम। आज उसी के साथ मेरी पुत्री का भाग्य जोड़ दिया है तुमने। आज तुम्हारे कारण हमारी पुत्री अपने माँ बाप से अलग होकर एक सूत के घर जा रही है। ऐसी उज्जवल भागों वाली मेरी पुत्री अब तुम्हारे कलंकित नाम के ग्रहण में जाएगी। अभी क्या कह रही है? इस समय इनका कोई दोष नहीं है। स्वयं अपना नाम और यश बढ़ाने के लिए हमारी पुत्री को बहकाया है तुमने। बड़ी बड़ी प्रेम की बातें की, पर असल स्वार्थ तो ये था, इसी के सहारे तुमने अपना मान बनाने की चेष्टा की है। माँ बस मेरे पति है ये, इनका मान मेरा मान है और इनके मान पे मैं चोट नहीं लगने दूंगी। अब चलती हूँ यहाँ से। माँ आपको मेरी याद आए ना आए, मुझे आपकी हर क्षण याद आएगी। माँ मुझे देने के लिए केवल आपका धिक्कार और पिताजी का श्राप है, तो इसी के साथ विदा लेती हूँ।
माँ आपका कुछ खा लो, संदेश वाहक संदेश लाया है। भैया पुखिया की राजकुमारी को ब्याह कर ला रहे हैं। हम ब्रह्मा जी को चुनौती देते हैं कि जो कुछ लिखा हो उन्होंने आपकी राजकुमारी बेटी के भविष्य में से बदल दूंगी और एक नया भाग्य नया भविष्य लिखेगी ये सूतनी अपने हाथों से। सूत पुत्र करण की पत्नी और सूतनी राधा की बहू बनने का भाग्य। मुझे पता था मेरा पुत्र कर मुझे दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करेगा। अब तो प्रबंध करने पड़ेंगे। सारे प्रबंध हो जाएंगे माँ, और भैया को आते आते अगली बहर हो जाएगी। तुम्हारा उत्साह ठीक है, परंतु भोजन नहीं करोगी तो बहू के स्वागत के लिए शक्ति कहां से आएगी? सही कहा तुमने, बहू का गृह प्रवेश है, भव्य स्वागत के लिए शक्ति की आवश्यकता तो पड़ेगी। शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए। ये हमारी राजकुमारी है, हमारी सखी भी है, इनके नेत्रों में कभी आंसू ना आए। हमारी राजकुमारी का ध्यान रखिएगा, बहुत ही कोमल हृदय वाली हैं। इसके लिए अंगराज कर्ण को परेशान करने की क्या जरूरत, सुरीली है ना। राजकुमारी जी को कब क्या चाहिए इन्हें स्वयं भी नहीं पता, लेकिन हमें हमें सब ध्यान है। इसलिए हम जा रहे हैं अंग देश राजकुमारी जी के साथ इनका ध्यान रखने। हाँ, ये क्या तुच्छ सी भेंट दे रही हो? ध्यान नहीं, अब ये अंग देश की रानी है, शोभनीय भेंट देती तो बात होती। हाँ नहीं सुरीली, ये सब मेरे लिए अमूल्य है। आज आप सबने एक नव वधू को खाली आंचल विदा होने से बचा लिया। ये सब मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मेरे साथ पुख्या की यादें बनकर रहेंगी। लाइए हमें दीजिए। चलती दीनी, तेरा मन लग जाएगा वहां। सम्मान से बात करो, अंग देश की रानी की खास दासी हूँ मैं। सुरीली नहीं, सुरीली जी कहो, अन्यथा तुम्हारे कानों तक तुम्हारे स्वर नहीं पहुंचेंगे। आपका सबसे प्रिय पुष्प है ना? नहीं तो? नहीं? ये तो आपकी सबसे मनभावन सुगंध है। ये हमारी नहीं, आपकी सबसे मनपसंद सुगंध है। तो इसका तो एक ही अर्थ हुआ कि आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं और मैं आपके बारे में कुछ विशेष नहीं जानता। तो बताइए, मिलवाइए मुझे राजकुमारी उर्वी से, उनकी सुबह दिखाइए, उनकी संध्या दिखाइए। वो क्या करती हैं, क्या नहीं करती, उन्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। इतने सारे प्रश्नों का जवाब इतने कम समय में ही आपको चाहिए? तो कुछ तो बताइए। हमारे पुख्या के भोर की सबसे पहली किरण हमारे भवन में पड़ते ही हमारी आंखें खुद ब खुद खुल जाती थी। आप जानते हैं
बचपन से ही हमें सूर्य की पहली किरणों के साथ आंख में चोली खेलना बड़ा भाता है। और फिर जैसे बिछौने से पैर नीचे रखती, राजकुमारी जी स्नान तैयार। अच्छा ये मखमली जूतियां क्यों पहनते थे आप? वो चर्म की जूतियां हमें नहीं सुहाती, हमारे पैरों को चुभती है और हमारी एड़ियां भी लाल कर देती है। ठीक है, आगे बताइए। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमारी दासियां हमें स्नान के लिए तैयार करती थी। आप जानते हैं मधु चंदन केसर दूध के लेप से हमारा स्नान होता है, और फिर श्रृंगार के लिए तैयार किया जाता था। आप जानते हैं हमारे श्रृंगार में हमें पूरा एक पहर लग जाता था। एक पहर? इतनी देर? ऐसा कैसा श्रृंगार करती हैं आप? आपको क्या पता है हम लड़कियों को कितना बनाव श्रृंगार करना होता है। पहले केश को सुलझाओ, फिर केश को गुंथाओ, साज सज्जा, हमारे तो आभूषण भी कितने होते हैं। आप जानते हैं एड़ी से लेके चोटी तक चुन चुन के आभूषण होते थे हमारे। तो आपको आभूषण बहुत पसंद है? हमें तो आभूषण श्रृंगार बहुत पसंद है। अच्छा आगे सुनिए ना जी। श्रृंगार के बाद हमारी दासियां हमें पालकी में बिठा के हमारे महल के सामने वाले बगीचे में घुमाती है। प्यार से पाला है आपके माता पिता ने आपको, और उनकी चिंता आपके प्रति स्वाभाविक भी है। परंतु जब आप राधा माँ से मिलेंगी तो वो आपको इतना प्रेम देंगी कि आप मुखिया की सारी सुख सुविधाएं भूल जाएंगी। उर्वी, मैं आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, कि वचन रहा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।